हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग वीडियो देख करके आनंद ले रहे होंगे और कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग उससे आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजी का विकास देखिए धीरे धीरे कैसे हो रही है, ठीक है ना? आप में भी इसका विकास होगा, सिर्फ एक दिल नीचे करना है और अंग्रेजी की बीमारी को दूर भगाना है, ठीक है ना? तो आज पता ही है आप लोग को हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारा रनिंग टॉपिक है सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जिस पर हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। सेंटेंस के प्रमुख अवयव सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। इतना तो आप लोग को पता है। इसकी पिछली वाली वीडियो काफी लंबी हो गई थी, इसलिए इस पर हम चर्चा इसके पिछले वीडियो में नहीं कर पाए। यहाँ देखिये, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी में क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्यों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ भी हम लोग को देखना है कि सब ये चारों को मिलाकर के हम कितने तरह से स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। पहला है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ कम्प्लीमेंट को हटा दिया मैंने। यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कम्प्लीमेंट, यहाँ क्या कर दिया हम लोग, ऑब्जेक्ट को हटा दिया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट दोनों को हटा दिया। फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, सब्जेक्ट को ही हटा दिए। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट तथा कम्प्लीमेंट दोनों को हटा दिए। फिर हो गया क्या, वर्ब प्लस कम्प्लीमेंट। यहाँ इतना देखने के एक चीज है, मैंने रेड रेड में लिख दिया, वो क्या है, वर्ब। ये इतने तरह का वाक्य का निर्माण हम लोग किए, लेकिन इसमें एक चीज बहुत ही जरूरी था, वो वर्ब, ठीक है ना? तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना वर्ब का कोई वाक हो सकता है? थोड़ा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हाँ कोई वर्ब का बिना वाक बन सकती है? तो देखते हैं बनेगी या नहीं बनेगी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ब नहीं है। तो क्या इसका वाक बनेगा या नहीं बनेगा, आप लोग को कॉमेंट सेक्शन में बताना है हम लोग ये। और अगर ये लोग का बनता है तो ये लोग को भी क्या करना है, आप लोग को हमारे व्हाट्सएप नंबर, इसका अगर जवाब संभव हो, कुछ बन रही हो तो देने का प्रयास करें, ठीक है ना? तो यहाँ तक की समस्या पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे, ठीक है? मेरे हिसाब से इस पर वाक नहीं बनेगा, क्योंकि नो वर्ब नो सेंटेंस, ठीक है ना? तो आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग वर्ब पर चर्चा करेंगे। तो वर्ब कहते किसे हैं, वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। वैसा शब्द जिससे किसी काम को होने या करने का बोध हो, ठीक है ना? तो यहाँ दो शब्द निकला, होना और करना। तो ये दो शब्द के लिए हम लोग देखते हैं दो वाक्यों को। यहाँ पर दो वाक्य आया है, ही इज ए बॉय, सी इज डांसिंग। ही इज ए बॉय मतलब उसको क्या है, एक लड़का होने के बारे में बता रहा है, क्या है, वह एक लड़का है, मतलब होने का बोध उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर जो इज है ये मेन वर्ब है, यहाँ इज क्या है, मेन वर्ब जो होने का बोध करा रहा है। यहाँ इज क्या है, एक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है, कैसे है, जैसे कि हम लोग को पता चला है कि वर्ब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ये थोड़ा लंबी वीडियो चलेगी, ठीक है ना? धीरे धीरे सारा जानकारी हो जाएगा, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब कब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करने लगता है, ये सारी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इज विथ नाउन, जो भी मूल क्रिया रहेगी अगर उनको हिंदी में हम लोग देखेंगे तो उसके अंत में क्या लगा रहेगा, ना। इसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, गाना, बजाना, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब के अंत में क्या है, ना आ रहा है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जिसके अंत में ना आएगा वो वर्ब होगा ही? हाँ, तो कुछ मेरे पास एग्जांपल है जिसके अंत में भी ना है लेकिन वो शायद वर्ब नहीं है, जिसे नाना, ठीक है, नाना अर्थात माता जी के पिताजी, पटना, हरियाणा, लुधियाना, जगह का नाम है, तीनों के अंत में ना लगा हुआ है। फिर क्या है, टेहुना, घुटना, ये सब के भी अंत में क्या है, ना लगा हुआ है, लेकिन शायद ये वर्ब नहीं है, क्योंकि परिभाषा से चेक करते हैं क्या इसे, इन सभी शब्दों से किसी काम को करने का बोध हो रहा है, नहीं ना, तो ये वर्ब नहीं है, ठीक है? हम लोग क्या इस फॉर्मूले से पहचान कर लेंगे। तो इसके अनुसार वर्ब कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक बीइंग वर्ब होने वाला क्रिया, एक डूइंग वर्ब करने वाला क्रिया। बीइंग वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब
सहायक क्रिया भी कहते हैं। डूइंग वर्ब को हम लोग मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब मुख्य क्रिया भी कहते हैं। देखिए बीइंग वर्ब अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या क्या है, 24 है, 24 है और ये तीन रूपों में पाया जाता है, ठीक है ना। तीन रूपों में कौन कौन पाया जाता है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब 11 संख्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसकी संख्या 10 होती है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसकी संख्या 3 होती है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं डूइंग वर्ब के बारे में, और इस पर विशेष चर्चा हम लोग एक वीडियो बनाकर करेंगे, उसमें भी ये देखेंगे कि मुख्य क्रिया का काम क्या क्या है, कब यह मुख्य क्रिया काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंसिपल वर्ब, यहाँ पर क्या हो गया प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब यह क्या है सहायक क्रिया के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करेगा। तो हम आगे वाले वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि कब एक कोई क्रिया मेन वर्ब हो जाती है और कब कोई क्रिया सहायक क्रिया ही रह जाती है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम लोग डूइंग वर्ब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बीइंग वर्ब के बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं। देखिये प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने इज एम आर वाज वेयर, इसमें इज को मैंने घेरा लगा दिया है, डू डज डिड, डू को मैंने घेरा लगा के रखा है समझाने के लिए आप लोग को, हैज हैव और हैड, इसमें क्या है मैंने हैज को घेरा लगा रखा है, इसलिए मैंने घेरा रखा रखा है, जिसको मैंने घेरा लगा दिया उसका मैं एग्जाम्पल यहाँ दे चुका हूँ, और जो बच गई है उसको आपको बना करके हमको क्या करना है बताना है। ही इज ये मेन वर्ब सहायक क्रिया दोनों का काम करना है, तो पहला बात में ये क्या है मेन वर्ब है, इसमें क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। इसे ही इज ए लीडर, वह क्या है एक नेता है, नेता होने का बोध करा रहा है, तो क्या है मेन वर्ब होने का बोध करा रहा है। सी इज रीडिंग, पढ़ रही है, तो यहाँ पर इज क्या है सहायक क्रिया, मैंने एक मेन वर्ब एक सहायक क्रिया के लिए इसका ही प्रयोग कर रहा हूँ। यू डू दिस वर्क, यहाँ पर डू क्या है मेन वर्ब है, भाई आप लोग क्या है आप ही आप लोग इस काम को करते हैं, ठीक है। वी डू नॉट लर्न, क्या है हम लोग नहीं सीखते हैं, यहाँ पर डू नॉट क्या है सहायक क्रिया के रूप में आई है। मेघा हैज ए कार, ठीक है यहाँ पर क्या हैज मेन वर्ब के रूप में आया है, मेघा के पास एक कार है। मेघा हैज डन दिस वर्क, मेघा ने इस काम को किया है, यहाँ पर हैज क्या है सहायक क्रिया के रूप में आया है। यहाँ तक शायद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बाकी जो बच गया उसे इसी तरह से दो दो सेंटेंस बनाना है आपको, एक को सहायक क्रिया रखना है और एक को मेन वर्ब में बदलना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी संख्या 10 है, सर प्रेजेंट में, शुड पास्ट में, विल प्रेजेंट में, वुड पास्ट फॉर्म, कैन प्रेजेंट फॉर्म, कुड पास्ट फॉर्म, मे प्रेजेंट फॉर्म, माइट पास्ट फॉर्म, मस्ट और टू, ठीक है ना। ये है तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो जो भी मॉडल वर्ब रहेगा क्या सिर्फ जो पास्ट फॉर्म है सिर्फ पास्ट टेंस में ही प्रयोग किया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि मॉडल वर्ब का प्रयोग रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, आर्ग्यू, ठीक है ना, इन सारे भावों को व्यक्त करने के लिए करते हैं, जो क्या है हम लोग जब मॉडल चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे और उसमें भी हम लोग आनंद लेंगे। मॉडल वर्ब बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगी, अभी तक संभवतः अगर अच्छी तरह से वीडियो देखे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। इसी पर आपको कम से कम दो दो बात आप लोग पहले भी पढ़ते रहे होंगे मॉडल वर्ब, तो इस पर बनाने का प्रयास करें, बिल्कुल आसानी से बन जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। सेमी मॉडल वर्ब, इसकी संख्या 3 है, सेमी मीन्स मतलब होता है अर्ध, ये आधा क्या है मॉडल वर्ब है, तो आधा क्या होगा मेन वर्ब होगा, जैसा कि जानते हैं हम लोग यूज टू का प्रयोग आदत या अभ्यास को दर्शाने के लिए किया जाता है, नीड मतलब जरूरत होती है और डेयर में साहस करना होता है, तो ये सभी का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे मेन वर्ब की तरह भी करेंगे, वर्ब की तरह भी करेंगे, तो इस सब का विशेष चर्चा हम लोग जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे तो वहां पर क्या मॉडल वर्ब के बारे में एक और विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है। दूसरा क्या है इसका बहुमूल्य बात है कि यह कर्ता के अनुसार भी अपना स्वरूप नहीं बदलता है। तीसरा ऑट टू और यूज टू को छोड़ करके इसके साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ हमेशा मूल क्रिया का ही प्रयोग होता है, तो
तो ये सब इसके बारे में और भी विशेष हम लोग जानकारी क्या करेंगे मॉडर्न वर्ब में लेंगे। तो आज के लिए समस्या शायद नहीं होगी, आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहें और आनंद लेते रहें और सीखते रहें। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है उनको तक पहुंचाने का दायित्व आप लोगों को है। तो आज आप लोग मेरे वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले चैप्टर में हम लोग मेन वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।